तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का और आज का दिन फिर से एक बार खास है क्योंकि आज फिर से हमारे साथ हैं कैप्टन सर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर और ये मोमेंट थोड़ा मिसिंग था मेरे लिए बिकॉज वी हैव ऑलवेज डिस्कसन अबाउट द एंट्रीज और हमने इस मंच से बहुत कोशिश की है कि देश में एस एस बी को लेकर एक सही अवेयरनेस जाए और कैंडिडेट्स को एग्जैक्टली एक, एक सही दिशा मिले क्योंकि रिटर्न तो बहुत कैंडिडेट क्वालीफाई करते हैं बट फाइनली सर वो एस एस बी में नहीं कर पाते हैं तो इस सेशन के माध्यम से हमने हमेशा कोशिश की कि देश को एक बेहतर अवेयरनेस मिले और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया सर और बहुत सारी अवेयरनेस भी उस चीज़ को लेके आई आज उसी कड़ी में फिर से हम जुड़े हैं और आज तो थोड़ा सा सेशन इसलिए भी खास है क्योंकि हम नाइन्टी डे स्पेशल एस बी प्लान की बात करने वाले हैं आ, क्योंकि सर जो है अभी तक चौदह दिन इक्कीस दिन के प्लान दिए जाते थे Sir. सबसे पहले तो मैं यही नज़रिया सुनना चाहूंगा सर कि नाइन्टी डेज जो प्लान हम ला रहे हैं इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है विजन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है सर सर बिल्कुल uh, बहुत अच्छा प्लान है ये नाइन्टी डेज़ का और इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर इनको समझने की जरूरत है जी पहली चीज तो देखिए क्या है सर कि एस एस बी इज टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी हम लोग हमेशा बोलते रहे राइट और पर्सनैलिटी की जब बात करेंगे सिंस हर एक असेसर के पास 225 मार्क्स हैं राइट। आउट ऑफ 225 अगर वो 90 किसी कैंडिडेट को दे रहे हैं तो वो रिकमेंडेड है रिकमेंडेड है सर अगर 90 225 में से देखा जाए uh -huh. तो ये 40 परसेंट है राइट right, 40 परसेंट है था. अब इन बच्चों को एक चीज समझनी होगी uh -huh. कि जब ये लोग एकेडमिक्स में जाते हैं मैथ्स नाइन्टी राइट इंग्लिश 90 90 science, 90 साइंस या जो भी करके है, आते हैं, right. लेकिन जब का होता है तो चालीस हाँ, exactly. परसेंट अगर ये एकेडमिक्स में लाते तो इन्हें दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं मिलती, नहीं मिलती मगर फौज एक ऐसी जगह है जो चालीस परसेंट लाने पर आपको रिकमेंडेड मान ले, ले रही है अच्छा सर एक इंटरेस्टिंग वाक्य ये भी है जैसे कर रहे हैं सर जैसे एनडीए को हम देखें या सीडीएस को देखें सर तो एग्जैक्टली exactly कट का जो लेवल है वो डे बाय डे डाउनफॉल में है सर। जी और बड़े कम स्कोर करके भी बच्चे रिटर्न में मैं आपको बताऊं फाइनली एस एस बी से रिकमेंड हो रहे हैं बिकॉज उनका टोटल ज्वाइंट अच्छा है जैसे इस बार सर 321 पोजीशन पे जोगिंदर सिंह लड़का था सर उसका टोटल स्कोर रहा है एनडीए में 292 सर बट उसका में स्कोर आया सर 468 सिक्सटी जी, जी और सर वो 750 का स्कोर कर ले गया बच्चा और एक्जैक्टली सर वो तीन सौ इक्कीस पोजीशन रहा एनडीए में दैट फाइनली वो रिकमेंड हो रहा तो सर एस का कितना बड़ा रोल है कि एक बार को रिटर्न अच्छा ना भी हो जायज बात है सर कि देखिए बहुत जरूरी है इनको एक चीज़ और समझनी होगी कि जो आप जब कमीशन ऑफिसर बनते हैं तो दो स्टार लग गए कंधे पर दुनिया को जो दिखाई देगा ना वो कंधों पे लगे हुए स्टार्स की चमक दिखाई देगी right. चमक का मतलब हो गया कि आपको बड़ी अच्छी सैलरी मिल रही है ग्रेड वन पोस्ट मिल गई आपको इतने छोटी उम्र में आपको जो गाड़ी जो शोहरत जो इज्जत मिल रही है समाज में ऑर्गेनाइजेशन में वो सबको दिखाई देती है लेकिन ये जो सितारों का वजन है ना ये उसी कंधे को मालूम होता है जिस पे ये लगा होता है right, और ये जो सितारों का वजन है ये किसी व्यक्ति से नहीं उठाया जाता है ये व्यक्तित्व तो उठाता है राइट right, सर है ना भी तो इट इज नॉट बीएड बाय अ पर्सन इट इज बीएड बाय अ पर्सनालिटी तो वो पर्सनालिटी टेस्ट करने का एक जो माध्यम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और वहीं पर आप जो है अगर नहीं ठीक दिखाई दिए इफ यू आर नॉट कंसर्न्ड विद फॉर अदर्स इफ यू आर नॉट गुड विद योर थॉट प्रोसेस तो फिर काम कैसे चलेगा क्योंकि आगे जवाबदारियां बढ़ने वाली होती हैं तो इस पर इनको बहुत काम करना है 90 डेज का जो आपका प्रोग्राम है सर वो इसलिए मुझे बहुत पसंद आया कि ये साइकोलॉजी भी कहती है कि ये रातों रात बदलाव देखना चाहते हैं इनको क्या लगता है कि बस चौदह दिन का कोर्स करके और हम कुछ के रट लेंगे चीज़ें और जाकर के वो वो व्यक्तित्व में शामिल होनी चाहिए वो आदतन जो उसको कहते हैं ना एट्रीब्यूटेड दिखने चाहिए आप ये काम करने के लिए तो यहाँ पर इनको एक चीज समझनी है सर कि जब कोई नई आदत बनानी होती है कोई नई भाषा सीखनी हो कोई नई आदत अपने जीवन में लानी हो अपने व्यक्तित्व में कोई बदलाव लाना हो तो वहां पर जो प्रोसेस है वो क्या कहती है सर कि इफ यू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कंसिस्टेंटली डिवोटेडली 14 डेज अगर 14 दिन आप पूरे डिवोशन के साथ उसके साथ काम करते हैं तो सिर्फ वो चीज आपको समझ में आती है कि हुआ क्या वो बदलाव नहीं होता है आप। नहीं। फिर आप सात दिन और करते हैं उसको तो फिर आपका 21 दिन हो गया 21 दिन में आप सेटल डाउन होते हैं उस चीजों से अभी भी आप कुछ सीखे नहीं है फिर उसी आदत को आप 69 डेज और कंटिन्यू करते हैं जब तो वो 90 दिन हो जाता है अच्छा। और 90 दिन के बाद वो आपके जीवन में एक आदत बन जाती है फिर आपको पीछे पलट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी और सर टेक्निकली आपने बड़ी बात कही है क्योंकि अमूमन सर ट्रेनिंग के जो प्रोसीजर हैं देश के अंदर वो यही है कि फोर्टीन डेज का एक प्रोसेस उन्हें फॉलो करा दिया काम खत्म फिर वो एस का हिस्सा बन गए उन्हें ये पता भी नहीं था एग्जैक्टली exactly कि उनमें कमियां क्या है yes, उन्हें किन चीजों पे काम करना था और काम भी करना था तो समय ही नहीं था उनके पास मुझे लगता है सर जैसे एग्जाम्स को देने के लिए आप साल भर छह महीने मेहनत करते हैं ईमानदारी yes, से और मुझे लगता है कि एस का एक ऐसा टेस्ट है जो पर्सनैलिटी का है और पर्सनैलिटी को भी सर ग्रूम होने पर और उसको भी बेहतर होने में थोड़ा समय लगता है एक्चुअली एग्जैक्टली जितने भी हम पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात कर रहे हैं सर जिन चीजों को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं वो फीडबैक सिस्टम के बाद ही बेहतर हो सकती है जायज बात है, बात आ कि दिन में हो सकता है। आप उसको एक टेस्टिंग प्रोसेस से निकाल दीजिए असेसमेंट बता दीजिए तुम्हारे अंदर ये कमी है बस ये दिक्कत है ये ठीक है काम अगर हो? उससे फर्क क्या पड़ेगा उसको क्या पड़ेगा असेसमेंट तो एस एस बी में भी हो रहा है ले सकता है अगर आपको बदलाव लाना है असेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ डिफरेंट थिंग इंस्टीट्यूट जो होती हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कोई कोचिंग प्रोग्राम नहीं है राइट और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है ये डेवलपमेंट प्रोसेस है ना कि असेसमेंट प्रोसेस और नाइन्टी डेज में सर कई चीज़ें हैं जैसे बच्चे हमारे जो स्पेशली स्टेट बोर्ड के हैं वो किसी भी राज्य विशेष से हों सर यूपी से हों बिहार से हो एम से से अन्य राज्यों से भी हों प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है सर चौदह दिन में आप कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं सर नहीं कर सकते वही जो चीज है मैंने आपको कही ना कि चौदह दिन प्लस सात दिन प्लस 69 69 तब जाके वो ग्रोथ आएगा जो हम भिल्कुल, भिल्कुल सर, सर सर अगला बच्चों का है इंटरेस्ट नहीं होता है उनको लगता है कि आप कुछ बना बनाया मटेरियल दे दीजिए और वो पढ़ करके उतने से ही काम चल जाए इनका जब तक आप इसको अपनी आदत नहीं बनाओगे अपनी लाइफ में ये हैबिट नहीं बनाओगे की आई नीड टू राइट अच्छा एक इंटरेस्टिंग वाक्य ये भी है इन्हें बड़े अच्छे ढंग से पता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी का टेस्ट है ये रियल टेस्ट है रियल टेस्ट है मेरी पर्सनैलिटी का टेस्ट है लेकिन जो प्रेजेंटेशन इनकी है वो किसी और पर्सनैलिटी की है और एक रियल एसेट के रूप में ये जा रहे हैं वहां पे जायज बात है सर अगर कोई कैंडिडेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में है और वो कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन जब तक उसके काम में वो खुद नहीं दिखाई देगा exactly. तब तक उसके चांसेस पीछे रहेंगे रहे रहे और ये फैक्ट है अपने आप में तो एग्जैक्टली exactly अगर आप ये समझते हैं कि हाँ सर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को बेहतर करना है सर तो समय थोड़ा सा देना पड़ेगा और एग्जैक्टली exactly हम श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच ला रहे हैं और टेक्निकली सर इसको प्रूव भी करता है अगर हम बोर्ड की बात करें या पूरे सर्विस सिलेक्शन सिस्टम की बात करें हम अपने फौज के अंदर सर तो अगर हम देखें कि एनडीए एग्जाम बच्चों ने सर इक्कीस अप्रैल को दिया पहली डेट ही सर इक्कीस जुलाई से शुरू हो रही आपको एग्जैक्टली वो तीन महीने दे रहा है बात कि आपने छह महीने साल भर काम कर लिया एनडीए एग्जाम के लिए वेरी गुड नाउ गो फॉर थ्री मंथ अब आपने रिटर्न दे दिया सर आंसर किया आपके सामने रिजल्ट आपको पता है अब आप दिखावा करेंगे नहीं मैं जब रिजल्ट आएगा तभी जानूंगा रिजल्ट क्या है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट मुझे लगता है कि ये कहता है कि कि इनिशिएटिव ये कहता आपको रिजल्ट अपना पता है चाहे एनडीए का कैंडिडेट है सी डी का है अभी टी के जितने बच्चे अप्लाई करने वाले सर थर्टीन से स्टार्ट होने वाला आर्मी टी के लिए उसमें भी सर नाइनटी डेज का टाइम इनको मिल रहा है प्लस सर उसमें भी उतना टाइम मिल रहा है तो ऑलमोस्ट हर एंट्री को हम देखें टेक्निकल एंट्री से लेकर के यूपीएससी एंट्री तक सर हर जगह इनको उतना टाइम दिया जा रहा है बट ये उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करें सीरियसली नहीं ये रेकमेंडेशन तो चाह रहे हैं सर बट जो रेकमेंडेशन की आग जो पैशन हाँ। डेडिकेशन तो वो चीज कम है और जब तक आप ये नहीं सोचेंगे किसी और के द्वारा इस चीज को कर पाना संभव नहीं है तो 90 डेज का जो हमारा प्लान है वो इसी सोच के साथ आया है कि आप वाकई में एक बार आइए हमारे साथ लगिए काम करिए बिलीव कि हम 100 परसेंट रिकमेंडेशन की आपको ले जाएंगे और वही हमारा प्रोसेस होगा अब जैसे सर अभी आज मैं देख रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जरूर शेयर करूंगा आप साइकोलॉजी टेस्ट का सर डोजियर चेक कर रहे थे बच्चों का एंड वन टू वन आप कैंडिडेट्स को ब्रीफ कर रहे थे उसकी प्रॉब्लम्स को सर पूरे भारत में मैं लिख के देता हूँ सर साइकोलॉजी के डोजियर की ब्रीफिंग कहीं नहीं दी जाती है

अब ये देखिए क्या होता है कि जो आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है जो आपने कहा कि नाइन्टी डेज टाइम मिल रहा है सभी को तो आ, ये बैठ के काम नहीं चलेगा इनसे कि घर बैठे रहो रिजल्ट का इंतजार करो कई तो डेट सिलेक्शन लिंक, का लिंक जाएं। करते जाएं। है, तो फिर काम नहीं बनेगा नहीं बने फौज की जो अपनी रिक्वायरमेंट है एक सेल्फ प्रोपेल्ड यंगस्टर चाहिए राइट जो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जीता राइट है ना सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब आपको ये नहीं कि रोज कोई आकर के मोटिवेट कर रहा है आपको अपना करियर बदलना है खुद के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा खुद निकलना पड़ेगा आज आपके पास समय है आज बदलाव कर लो कल जब इलेवेंथ आर में खड़े हो जाओगे कि नहीं जी अब तो सब सामने आ गया डेट सामने आ गई है फिर जो हड़बड़ाहट होती है आपके मन में उससे बदलाव नहीं आता है, उल्टा डर पैदा होता है जीवन में और हमें डरना नहीं है हमें इसको फेस करना है इसको जीतना अपने आप को और आप में बहुत पोटेंशियल है बस जरूरत है एक समय के अनुसार क्योंकि क्या होता है सर फोर्टीन डेज का प्रेशर उसके बाद एस भी है तो ये अच्छा चाह के भी नहीं कर पाते हैं अगर यही समय होगा तो सर ये बेहतर करेंगे अपने आपको करें? एक बड़े मजे की बात बताऊ कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं ये पर्सनालिटी का टेस्ट है अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जा रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं तभी आप सिलेक्शन बोर्ड में जा रहे हैं आप अपनी मर्जी से घूमने नहीं गए हैं सिलेक्शन बोर्ड की चलो हम भी एक मौका आजमा लेते हैं।, हैं आप इन्वाइटेड है आपको एक प्रॉपर डेट दी गई है सिलेक्शन बोर्ड ने आपको इन्वाइट किया है इस तारीख को बड़ा प्रोसेस है आपको आने जाने का टिकट दिया है बिल्कुल और वो मानक जो तय किए गए थे उन मानक को आपने पूरा किया है right, right. तो अब आपकी नॉलेज के ऊपर एक बार एसएसबी के लिए आप एलिजिबल हैं मतलब आपकी नॉलेज के ऊपर आप कम डाउट रह गया है फौज right. को hmm. अब आपकी सिर्फ पर्सनालिटी को देखा जाएगा कि क्या आप उस व्यक्तित्व के इंसान हैं जो इन जवाबदारियों को उठा सकते हैं और ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बेहतर कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे तो बिल्कुल सर और मुझे लगता है ये बहुत आसान भाषा में इसको समझ में रहेगा और पूरे देश तक हम लोग ये मैसेज भी पहुंचाएंगे जल्दी सर कि 90 डेज ब्रेन में करें सर और मुझे लगता है इससे रिजल्ट्स भी बढ़ेंगे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आएगा सर और एक सच्चाई के साथ जो काम होना होता है ना देर इज़ अ फॉर्मेलिटी सर ऑलवेज की हाँ बच्चा आया चौदह ट्रेनिंग हो गया आया गया जी। जी। आया गया तो दिस इज नॉट अ वे ये तरीका नहीं है आपके लिए भी सही नहीं है एज ऑर्गेनाइजेशन भी सही नहीं है सर हमें लगता है कि तरीका ऐसा है कि आप हमारे पास आए तो हम वाकई आप में वो डेवलपमेंट लाएं कि आप सफलता पाएँ बट उसके लिए नाइन्टी डेज हमें जरूरी है तो हर एंट्री का बच्चा है है। अगर आएंगे सर, समय देना होगा समय आप देंगे तो बढ़िया होगा तो चलिए ये 90 के प्लान को तो लगातार भी हम डिस्कस करेंगे <laughs> और आशा करते समझ में आएंगे बाकी अपनी कुछ क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और ऐसे ही जुड़े रहें और कुछ ना कुछ बेहतर गाइडेंस जरूर हमारी तरफ से लेते रहे थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत